बंधुओं को नमस्कार। एक मिनट, दो कुर्सी, दो कुर्सी इनका मेयर, इसको हटा दो। आले को भी बैठा दो। हाँ, ये सबसे ऊंची कुर्सी है। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आप लोगों ने फिर से एक बार देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोटते हुए, डीएमसी एक्ट का गला घोटते हुए चुनाव नहीं होने दिया। चुनाव इसलिए नहीं होने दिया कि आम आदमी पार्टी के पास मेयर के चुनाव में 151 वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 वोट हैं। पीठासीन अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है सिर्फ मेयर का चुनाव कराने की, वो पीठासीन अधिकारी महोदया कहती हैं एल्डरमैन भी वोट डालेंगे, जो पूरी तौर से संविधान की दृष्टि से भी गलत है और डीएमसी एक्ट की भी दृष्टि से गलत है। और तीन चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, यह भी एजेंडे में नहीं था कहीं। तो क्या दिल्ली के एलजी के आदेश का कोई मतलब है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा खेल कर रहे हैं? क्या भारत के संविधान का कोई मतलब है या उसका गला इसी तरीके से घोटा जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र में चुनाव का कोई मतलब है या दिल्ली के जनता ने एमसीडी में जो अपना मैंडेट जनादेश दिया है उसका इसी तरीके से गला घोटा जाएगा? कोई जवाब दे ही नहीं। जब एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है, आज पहली बार दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने देख लिया कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दे रही है। यही पहले दिन से हम लोगों की शंका थी, एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे, एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे। बार बार हम कहते रहे, हमने बार बार कहा कि वोटर लिस्ट तो दे दो, कोई चुनाव होता है उसकी कम से कम मतदाता सूची होती है हमारे लीडर को, लीडर ऑफ द हाउस को, जो हमारे मेयर का चुनाव लड़ रही है, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कम से कम वोटर लिस्ट तो दे दो। नहीं दिया। इसका मतलब मनसा साफ थी, इनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं कराना था क्योंकि ये हार रहे हैं, दिल्ली की जनता ने इनको हराया है और अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहां हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज हमारे, देखा आपने, सारे सदस्य खामोशी से थे, इसलिए थे कि पूरा देश ये देख सके कि लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा और जैसा कि हम लोगों ने सुबह से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी में एक सरकार जिसको दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया वो चले। सबको पता है कि भाई आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत है, उसके बाद भी मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। आज आप लोगों ने देखा, कल रात में खबर ये चल रही थी कि आम आदमी पार्टी के 20 पार्षद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को तोड़ रहे हैं। फिर 11 बजे स्टैंड प्रोटम स्पीकर साहिबा जी आती हैं और कहती हैं, 11:30 हो गया, 11 बजे का टाइम, 12:45 बजे आती हैं, 12:45 बजे आके कहती हैं कि पहला काम तो है जी कि एल्डरमैन वोट करेंगे। हमारे लीडर ऑफ हाउस ने उनसे प्रश्न पूछा कि जी किस एक्ट में करेंगे। उनके घर कल शाम को हम गए थे संविधान की कॉपी लेकर, एक लेटर लेके कि आप इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड आते हो, आपको समझ में ना आता हो कौन सा एक्ट है, कौन सा संविधान है, वो भी पढ़ा होगा उन्होंने। हमने पत्र दिया उनको वहीं हाउस में बैठ के कि ये 136 हमारे जो पार्षद हैं उनके सिग्नेचर के साथ हम आपको एक एक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर सारे भारत के संविधान से लेके डीएमसी एक्ट से लेके कोर्ट के आदेश, हमने सारे कोर्ट किए वो दे दिए उनको।
उसको उन्होंने नहीं माना, बोली नहीं मैं तो कराऊंगी। फिर उन्होंने कहा तीनों चुनाव एक साथ होंगे, जबकि एलजी साहब खुद इनके एलजी साहब हमारे उनसे इतने मतभेद हैं, उन्होंने भी कहा है कि पहले मेयर का चुनाव होगा, मेयर चुनने के बाद मेयर की जिम्मेदारी है डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव कराएगी। इन्होंने कहा नहीं मैं कराऊंगी, मैं ही हूं सब कुछ तो मैं सारी जिम्मेदारी लूंगी। तीसरा उसके बाद कहते हैं ऐसा है जी इसमें ना कुछ लोग हैं जिनके ऊपर एकाक FIR है, उनको बाहर करो। ये लोकतंत्र है या क्या है, ये क्या तरीका है? दिल्ली की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, 15 साल, एक नहीं दो नहीं चार नहीं 15 साल मौका दिया, 5 साल हमें मौका दे रहे हैं, आप कर लेने दो। ऐसा क्या है कि MCD में इनकी जान फंसी पड़ी हुई है, ऐसा क्या है? उसका कारण है, आप सारे इनके पार्षदों का उठा के चेक कर लो, जब चुने गए थे तो स्कूटी पे चलते थे, आज ऑडी पे चल रहे हैं, आज बड़ी बड़ी कोठियां इनके घूम रही हैं, करोड़ों का व्यापार चल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि MCD तो सारा का सारा MCD इन्होंने लूट लिया। इनको लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो इनकी जो सारी गड़बड़ियां की इन सबको जेल में हम भेजेंगे, इसलिए सारी नौटंकी चल रही है। इनको पता है कि किसी भी तरह से करके आम आदमी पार्टी की सरकार मत बनने दो। आज बताइए, प्रोटेम स्पीकर अपना लगा लिया, एल्डरमैन भी लगा लिया, अपना सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी प्रोटेस्ट कर रहे हो यार? अब किस बात का प्रोटेस्ट? अभी भी करा लो, अभी भी तुम्हारी हिम्मत नहीं है चुनाव कराने की, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास नंबर नहीं है। ये सारे तो बहाने हैं कि जी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, उन्हें लगा हम प्रवोक होंगे, हम कुछ कहेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं जी, आप कराओ, तो कराना स्टार्ट तो कराओ। नहीं हुआ, बड़ा गलत है, और दिल्ली की जनता ये देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी की चमड़ी जो है ना वो तिर बतर तिर बतर तिर बतर करके उघड़ती जा रही है, उघड़ती जा रही है। एक जैसे वो हमारे गांव में टाट की बोरी होती थी, वो बोरी धीरे 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 उखड़ती चली जा रही है। आज दिल्ली की जनता के सामने उनकी लाज लज्जा पूरी तरह से उखड़ती चली जा रही है। बहुत शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। आतिशी जी, आतिशी जी, आज सुबह दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा कि हमें जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी आज सदन में हंगामा करेगी और आज चुनाव नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं नहीं हम तो तैयार हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव को रोकेगी। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने देख लिया कि किसने चुनाव को रोका और कौन चुनाव चाहता था। हमने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले से ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो झूठे आरोप थे कि आम आदमी पार्टी वाले उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन झूठे और हास्यास्पद आरोपों को बहाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी हंगामा करेगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुनाव को स्थगित करेंगी, और बिल्कुल यही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान था कि वो दिल्ली में मेयर का चुनाव होने नहीं देंगे, और ये इस बात से भी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो चुनाव में वोट डालने के लिए आए ही नहीं। मनोज तिवारी नहीं थे, हंसराज हंस नहीं थे, बिदुड़ी जी नहीं थे, तो उनको ये पहले से पता था, गौतम गंभीर नहीं थे, तो उनको ये पहले से पता था कि आज चुनाव नहीं होने वाला है, उनका वोट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उनके सांसद आज हाउस में मौजूद नहीं थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली के जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। दिल्ली की जनता ने MCD में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिता के भेजा है। 15 साल के आपके शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने MCD से बाहर फेंक दिया है। अब आप विपक्ष में बैठने की भूमिका स्वीकार करिए, मेयर का चुनाव होने दीजिए, क्योंकि इस तरह किसका नुकसान हो रहा है? दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगी। हमारी ये डिमांड है
कि टाइम बाउंड तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो और एल्डरमैन को वोट ना डालने दिया जाए, क्योंकि संविधान भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है कि उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि उनकी निगरानी में टाइम बाउंड पीरियड में अगले हफ्ते से 10 दिन में मेयर का चुनाव हो जाए। और ये जो मजाक बना दिया है सत्या शर्मा जी ने कि आधे घंटे में भी हाउस को साइनडाई एडजर्न कर देती हैं, वो कह सकती थी कि भाई आधे घंटे का ब्रेक हो जाए उसके बाद हम वोटिंग करा देंगे, एक घंटे का ब्रेक हो जाए उसके बाद हम वोटिंग करा देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्लान था कि वो हंगामा करेंगे और वो वोट नहीं होने देंगे, और बिल्कुल यही हुआ। अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, ये अपील लेके जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द एमसीडी में सरकार मिले। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट जब आप जाएंगे तो क्या पीठासीन अधिकारी को बदलने की भी मांग करेंगे, क्योंकि बार बार सबसे ज्यादा शिकायत आपकी यहीं से होगी? देखिए, क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिये, पहली चीज ये है कि अभी तक आप लोगों के मन में भी डाउट था, हम लोगों के मन में तो डाउट नहीं था, आप लोगों के मन में भी डाउट था, और भारतीय जनता पार्टी ये दुष्प्रचार कर रही थी कि अरे भाई ये लोगों को क्या दिक्कत है, वोट करा लें। आज स्पष्ट हुआ पूरे देश के सामने कि एल्डर मैन को वोट कराना इनकी असली मंशा है। दूसरा ये भी स्पष्ट हो गया कि सिर्फ मेयर का चुनाव कराने का जो अधिकार पीठासीन अधिकारी को है उसका अतिक्रमण करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव एक साथ करा रहे, जो एजेंडा में ही नहीं है, जो एजेंडा में सारे पार्षदों को सारे सांसदों को एक एजेंडा भेजा गया कि भाई आज की मीटिंग में ये कार्रवाई होनी है। उसमें साफ तौर पे लिखा है, जिस पे एलजी की मोहर लगी थी, कि भाई पहले मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, और फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मेयर कराएगी। अब बताइए क्या हो रहा है। तो ये सारे तथ्य अब स्पष्ट हो चुके हैं। अभी तक हो सकता है लुका छिपी का खेल हो, आज पूरे देश ने, मीडिया ने, दिल्ली वालों ने, सबने देख लिया। तो ये सारा तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे कि किस तरीके से संविधान का गला घोटा जा रहा है, जब वोटिंग राइट है ही नहीं एल्डरमैन को, डीएमसी एक्ट में भी और संविधान में भी, तो आप कैसे वोटिंग राइट दे सकती हैं? तो ये जरूर कहा जाएगा कि पीठासीन अधिकारी दरअसल भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे काम कर रही हैं और इनकी एक सुनियोजित साजिश है यहाँ पर चुनाव नहीं कराने की। सर, अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा के वोट, उनको वोट करने दिया जाए उसको लेकर कैसे उनके वोट रुकते कैसे हैं? आप बताइए, आप सब तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बताइए मुझे आप कैसे रुकते हैं? 3 महीने की एक सजा हुई, उस सजा पे ऊपर के न्यायालय ने स्टे लगा दिया। तो जब स्टे लग गया न्यायालय का, सजा के ऊपर जब स्टे लग गया, तो फिर कैसे उसको वोटिंग राइट नहीं है, बताइए मुझे, किस नियम, किस कानून के तहत? एक सजा पर स्थगनादेश जब लग जाता है तो फिर वो सजा स्थगित है। संजय जी, क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हें बाहर जाने के लिए कहा था दोनों को? क्या मुखिया उनसे कहा गया था बाहर जाने के लिए? इतना शोर हल्ला कर रहे थे, भाजपाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगर कहा भी होगा तो वो भी गलत है, अगर उन्होंने कहा ऐसा तो वो गलत है, इसलिए कि उनकी सजा स्थगित है कोर्ट से, कोर्ट से उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, रोक लगी हुई है उस सजा के ऊपर। तो जब न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी तो सजा पर रोक है, वो सजा मानी कैसे जाएगी? दूसरी बात, अगर वो चाहती तो उनको बाहर करके फिर भी वोटिंग करवा सकती थी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को प्रवोक करने की कोशिश करी जा रही थी, कि वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हंगामा करे और चुनाव को रोके, लेकिन हम चाहते थे कि दिल्ली को मेयर मिले। हमें पता है कि चाहे वो इलीगली भी एल्डरमैन से वोट करवा लेते, संख्या बल हमारे पास था, हम उसके बावजूद भी 151 वोट हमारे पास थे, और इलीगल वोट के बावजूद भी उनके पास सिर्फ 121 वोट थे। मेयर फिर भी आम आदमी पार्टी का बनता, डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी का बनता। तो ये स्पष्ट है कि वो ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया, और उन्होंने खुद हंगामा किया बीजेपी ने, और बीजेपी के ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हाउस को साइनडाई एडजर्न कर दिया। आप डिमांड करेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चेंज कर दिया जाए या दूसरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर? अब वो तो न्यायालय में पार्टी तय करेगी किन किन मुद्दों पे हम रखें। अपनी तरफ से मुद्दा रखेंगे। देखिए ये तो क्लियर है, आप लोग जो देख रही हैं,
आपके कैमरे में कैद है, पीठासीन अधिकारी पूरी तरीके से भाजपा के इशारे पे काम कर रही हैं और उनका चुनाव कराने का मकसद नहीं है, एल्डर मैन को वोटिंग राइट देना, तीनों चुनाव एक साथ कराना, ये दोनों फैसले उनके पूरी तरीके से गलत है। हाउस तुरंत एजर्न कर देना, तो ये इनकी मनसा ही नहीं है। और वही जो बात दुर्गेश ने कही, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 15 साल में इतना खाया और लूटा है एमसीडी को कि ये मोह छोड़ नहीं पा रहे बेचारे। ये लूट का जो मोह है भाजपाइयों का, वो लूट का मोह उनसे निकल नहीं पा रहा है, इसलिए वो चाहते हैं भाई किसी भी तरीके से हंगामा करके हल्ला करके हमको इसको बस बना के रखना। रेखा गुप्ता जी और हरिचंद जी बोल रहे हैं कि 2016 के हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है और जिसको कि मान करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा है, उस पे जरा स्पष्टीकरण दीजिए। 3 हाईकोर्ट के ऑर्डर, हमारे नेता सदन ने 3 हाईकोर्ट का ऑर्डर चिट्ठी लगा के डीएमसी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ लगा के दिया और डबल बेंच कर दिया। एक चीज ये 2017 में जब 3 एमसीडी थी, नॉर्थ साउथ और ईस्ट, आप एक जगह दिखा दिए जहां हाउस में एल्डरमैन ने वोटिंग की, तब भी तो बीजेपी सरकार में थी, बीजेपी की मेजोरिटी थी, तब एल्डरमैन की वोटिंग क्यों नहीं करने दी बीजेपी ने? इसका मतलब ये हो गया कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। देखिए ये एक सेकेंड सुनिए, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसका वो हवाला दे रहे हैं 2016 का। उस हाईकोर्ट के ऑर्डर में ये स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है दैट द राइट ऑफ नॉमिनेटेड पर्संस टू वोट एट द मीटिंग्स ऑफ द कॉर्पोरेशन इज स्पेसिफिकली बार्ड अंडर आर्टिकल 243R एंड सेक्शन 33B(1) ऑफ द एक्ट। These persons cannot vote at the meeting of anybody under the corporation. ये जो कोर्ट हाईकोर्ट, मैं हाईकोर्ट के ऑर्डर से पढ़ रही हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर है ये। ये आप देख लीजिए, ये जो उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर कहा आज हाउस में कि 2016 के हाउस के आधार पे मैं करी, उन्होंने ऑर्डर भी नहीं पढ़ा, उस ऑर्डर में यही लिखा हुआ है, उन्होंने गलत कोर्ट किया आज हाउस के सामने। ये न्यायालय की भी अवमानना है, कंटेंट हुआ सीधे से बिल्कुल। संजय जी क्या लगता है ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये की जा रही है कि मार्च तक इसको रोक दिया जाए, अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर? नहीं नहीं, देखिए सारी कोशिश इसलिए की जा रही है कि लूट का माल जो 15 साल में इकट्ठा किए हुए हैं वो कैसे बचा रहे, बस लूट के माल का खेल है, ये बेईमानी से मुक्त नहीं हो पा रहे, उसको बचाए रखना चाहते हैं। 15 साल एमसीडी को इन लोगों ने लूटा, अब इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया, इनको हराया, 15 साल के कुशासन को, कूड़ा जो था इनका उसको झाड़ू से साफ किया, और अब ये चुनाव नहीं होने, ये खतरनाक परंपरा शुरू हो गई है, ये खतरनाक परंपरा शुरू हो गई है। देखिए आज दिल्ली की 2 करोड़ आबादी ने एमसीडी में अपना जनादेश दिया है, दिल्ली के एमसीडी से छोटी देश की बहुत सारी विधानसभाएं हैं, अगर ये चीज होती रही तो कल को विधानसभा में बीजेपी हारेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, लोकसभा में बीजेपी हारेगी, प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी, तो क्या दादागिरी से आप गुंडागर्दी से देश को चलाएंगे? इस प्रकार से आप कहीं भी हार जाएंगे फिर आप नेता ही नहीं चुनने देंगे, मेयर नहीं चुनने देंगे, सीएम नहीं चुनने देंगे, पीएम नहीं चुनने देंगे, सरकारी नहीं बनने देंगे आप? ये कैसा मजाक हो रहा है? अरे ये तो वो कर रहे हैं ना, इसमें हम लोगों की क्या गलती? आज आपके कैमरे लगे हुए थे, देख लीजिए, हमारे सारे एक एक पार्षद चुपचाप बैठे हुए थे, विधायक चुपचाप बैठे हुए थे, वही प्रवोक कर रहे थे, वही नारे लगा रहे थे, वही हंगामा कर रहे थे, हम लोग की तरफ से तो कहीं एक शब्द किसी ने नहीं बोला। और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टाइम बाउंड तरीके से, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिल्ली में मेयर का चुनाव होना होगा। देखिए सारा मसला ना बेरोजगारी का है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में बेरोजगार हो गई, अब वो एमसीडी में बेरोजगार हो गए, तो मनुष्य जो है वो बेरोजगार होने से सबसे ज्यादा डरता है, तो ये उनकी कोशिश है कि किस तरह से नया रोजगार अपनाया जाए, किस तरह से डरा धमका के किया जाए, ये होगा नहीं।
क्योंकि ये लोकतंत्र है और दिल्ली की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी भारतीय जनता पार्टी ये कराएगी, आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाएगा, डिप्टी मेयर चुना जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी चुना जाएगा, ये हम डंके की चोट पे कहते हैं।